गोलपुर नाम का गांव गायों की वजह से जाना जाता था। वैसे तो गाये और बैंस हर गांव में होती है, लेकिन गोलपुर वासी अपने गायों का ख्याल अपने घर की सदस्यों की तरह रखते हैं। वहाँ के गायें अपने आप चरने के लिए जाकर अपने आप शाम को लौटकर आते हैं। गोलपुर के सरपंच दीनानाथ की एक गाय थी जिसका नाम बुलबुल था। दीनानाथ को लाली अपनी जान से भी ज्यादा प्यार थी। इतना बड़ा धनवान और गांव सरपंच होने के बावजूद दीनानाथ अपने गाय को खुद ख्याल रखता था। रामू, पानी गर्म हो गया तो जल्दी से बुलबुल को एक अच्छे कपड़े से साफ कर दो, वो रुत गई तो तुम टूट जाओगे। अभी कर रहा हूँ साहब जी। त्रिकोणपुर गोलपुर का पड़ोसी गांव है। गोलपुर के सरपंच और त्रिकोणपुर के सरपंच बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों जब भी मिलते हैं, उनकी बातें लंबी समय तक खत्म नहीं होती है। उसी त्रिकोणपुर में गिरधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। गिरधर को अगर कहीं से फायदा होने वाला हो तो वो बिना आगे पीछे सोचे किसी भी हद तक जा सकता है। शहर से आए हुए एक व्यापारी गिरधर जैसे ही एक इंसान की तलाश में था और उसे गिरधर मिल जाता है। सुना है कि तुम पैसों के लिए कोई भी काम कर सकते हो। बातें बाद में साहब, पहले ये बताओ कि इनाम क्या दोगे और मुझे क्या करना होगा। किसी की मुर्गी चुरानी है या चप्पल? बच्चों जैसे बातें मत करो। मुझे गोलपुर की गायें चाहिए, सारी की सारे। तुम्हारा प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन अगर गोलपुर वालों के हाथ में लग गया तो वो लोग हड्डी और गोश्त अलग कर देते हैं। मुझे लगा तुम बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। अब मैं चलता हूँ। काम हो जाएगा साहब। बच्चे नदी के पास गायों के साथ खेल रहे हैं। गिरिधर चुपके से उन्हें एक पेड़ के पीछे से देख रहा है। यही सही मौका है, कोई भी बड़ा आदमी नहीं है यहाँ पर। ये कहते हुए गिरिधर उन बच्चों के पास जाकर, अरे बच्चों, गांव में सर्कस वाले आए हैं और तुम लोग यहाँ खेल रहे हो? वहाँ एक से एक करतब हो रहे हैं। सच में? हाँ भाई, सच में कह रहा हूँ। राजू, श्याम, चलो सर्कस वालों को देखकर आते हैं। ये कहते हुए सारे बच्चे अपने गायों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही गिरिधर, इन्हें जंगल के रास्ते से लेकर जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कहते हुए सारे गायों को जंगल के रास्ते लेकर जाता है और व्यापारी को बेच देता है। गांव में जाने के बाद वहाँ पर कुछ भी ना होने की वजह से बच्चे लौटकर अपने गायों के पास आते हैं। वहाँ पर कोई गाय नहीं थी। लगता है ये घर चले गए हैं। हम भी जाते हैं। ये कहते हुए सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर भी गाय ना होने पर भी अपने आप आ जाएंगे, ये सोचकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही दो दिन गुजर जाते और दो दिन में गिरिधर कई और गाय चुरा लेता है। उन गायों में सरपंच की बुलबुल भी थी, लेकिन इस बात की खबर सरपंच को नहीं थी। इन दिनों में जिन जिन गायों की चोरी हुई थी वो लोग सरपंच से मिलने के लिए आए हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिन ब दिन गाय गायब होती जा रही है। मैं अपने गाय के बिना गाना भी नहीं गाता हूँ। ऐसे में उसे देखे हुए दो दिन हो गए हैं। शुक्र है मेरी बुलबुल को कुछ नहीं हुआ है, वो मेरे साथ ही है। साहब जी, बुलबुल कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। ये बात सुनते ही
एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है दीननाथ। कुछ देर बाद उठकर देखा तो वो अपनी खटिया पर लेटा हुआ था और उसके सामने त्रिकोणपुर का सरपंच बैठा हुआ था। कैसे आना हुआ दोस्त? मैं तुम्हारे गांव की समस्या के बारे में सुना था और मुझे लगा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसीलिए आया हूँ। ये कहते हुए गिरधर जो कर रहा है सारी बात बता देता है त्रिकोणपुर का सरपंच। ये बात सुनने के बाद अपनी बुलबुल को कोने के दुख और गुस्से में दीननाथ गिरधर को पकड़कर लाकर चार मारते ही सब बता देता है। आपकी गाय एक ट्रक में लोड करके आज शहर लेकर जा रहे हैं वो लोग। दीननाथ त्रिकोणपुर के सरपंच की मदद के साथ अपनी गायों को उस व्यापारी से बचा कर ले आते हैं और हमेशा की तरह अपनी गायों के साथ खुश रहने लगते हैं। लेकिन इस घटना के बाद से वो अब अपनी गायों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। बहुत लंबे समय पहले अचारपुर नाम का एक गांव हुआ करता था और उस गांव के कुछ लोग एक हाथी से परेशान थे जो हर शाम 5 से 6 बजे के बीच में जंगल में कहीं से आकर लोगों को खूब भगा भगा कर परेशान करता है। मुझसे और नहीं होगा रे दक्कन, मैं इस हाथी से थक गया हूँ। हाँ चम्मच, पता नहीं वो हाथी हमें किस जन्म का बदल ले रहा है। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकला तो जब तक मैं बाहर नहीं निकलता तब तक वो मेरे घर के सामने से भी नहीं जाता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वो हाथी वहाँ पर आ जाता है और आज वो चम्मच को छोड़कर ढक्कन के पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो पागल हाथी अपना इरादा बदल कर मेरी तरफ जाए, मैं ही यहाँ से भाग जाता हूँ। ये कहते हुए चम्मच वहाँ से अपने घर चला जाता है और भाग भाग कर ढक्कन की हालत खराब हो जाती है। ढक्कन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए उससे मिलने के लिए उस गांव के सरपंच और लोग आते हैं। हमें तुम्हारे हालत देखकर दुख हुआ दक्कन। दुख तो सबको होता है सरपंच साहब, लेकिन दर्द तो मुझे ही सहना पड़ रहा है। ये सही कह रहा है सरपंच जी, हम कम से कम इस बात का पता होना चाहिए कि हमसे ये क्यों हो रहा है। चम्मच, तुम जाकर गांव में ये ऐलान कर दो कि जो कोई भी उस हाथी को पकड़कर बंदी बनाएगा उसे हमें मुंह मांगा इनाम देंगे। चम्मच गांव में जाकर ये ऐलान कर देता है और लोग उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी करके बैठते हैं। वो हाथी हर रोज की तरह गांव में आती है, लोग उसे भगा भगा कर मार कर घायल कर देते हैं। वो घायल हाथी लंगड़ाते हुए वापस जंगल में लौट जाता है और काफी दिनों तक लौटकर वापस भी नहीं आता है। इस बात से खुश होकर दक्कन, चम्मच और बाकी गांव वाले मिलकर एक छोटी सी दावत रखकर जश्न मना रहे थे। तभी वहां पर कुछ डकू अपने हाथों में हथियार लिए उन्हें लूटने के लिए आते हैं। अबे वाह नमोना, बहुत का पी लिया, अब चुपचाप अपने जेबी और घर काली करके ले आओ। याद रहे, कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश भी ना करे। ये कहते हुए वो डाकू उन लोगों में से एक को थप्पड़ मारकर डराते ही सब दम दबाकर अपने अपने घरों में से सोना और पैसे लेकर आते हैं और उन डाकुओं के हाथ में रख देते हैं। बहुत खूब। ये कहते हुए वो डाकू वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं हमारे गांव पर किसी की बुरी नजर पड़ी है, जो एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है। सरपंच ये बात कह ही रहा था कि वो डाकू वापस से उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन इस बार
उनकी आंखों में डर और शरीर पर चोटें लगी थी। उनके पीछे वो हाथी भी आती है। वो डाकू अचारपुर वालों को उनका धन लौटा कर, हमें माफ कर दो, हम दोबारा इस गांव के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। ये कहते हुए वो डाकू वहां से चले जाते हैं। चम्मच और दक्कन उसे देखकर डरने लगते हैं। उन्हें देखकर वो हाथी, घबराओ मत, मुझे तुम लोगों को चोट पहुंचने की कोई इरादा नहीं है। ये तो बोल भी सकता है। हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ और सुनकर समझ भी सकती हूँ। इतने ही समझदार हो तो मेरे गांव वालों को परेशान क्यों करते हो दोस्त? मैं सिर्फ उन्हें ही परेशान करता हूँ जो अपनी खुशी के लिए दूसरे जानवरों को परेशान करते हैं। मैं पिछले 500 सालों से इस गांव और इस गांव के जानवरों की रक्षा कर रहा हूँ। इन 500 सालों में मैं तुम जैसे इंसान नहीं देखी। तुम लोग भी इन जानवरों से कुछ कम नहीं हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को भी इन डाकुओं से रक्षा कर रही हूँ। हाथी की बातें सुनकर सरपंच, दक्कन, चम्मच और बाकी गांव वाले सब शर्मिंदा महसूस करते हैं और हाथी से माफी मांगते हैं। हमें हमारी बेवकूफियों के लिए माफ कर दो दोस्त, और अब से तुम्हें जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा घर बना कर देंगे। इस बात पर जश्न जारी रखो फिर।